Hey guys, it's me, Dan MJ, and it's time to clash with them. तो आज हम वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट जंप देखेंगे जो कि बड़े बड़े जायंट्स के साथ है. तो मैंने यहाँ पे 48 जायंट्स ट्रेन कर लिए और हमने ट्रेन किए 5 जंप्स पे. तो चलिए चलते और देखते कि हाँ कि ये बड़े बड़े फौदे वाले कितनी बड़ी जंप लगा सकते, क्या पॉसिबल है या नहीं. तो मैंने मेरे सेकेंड आईडी से रिक्वेस्ट भेज दिए, तो हम लोग अटैक करेंगे हमारी सेकेंड आईडी पर जिसका नाम है DynamG2. तो मैंने ट्रोल बेस बना दिया था इसके लिए. तो ये रहा वो बेस. हम लोग राइट साइड से सारे जायंट छोड़ेंगे और बीच के वॉल्स में सारे जंप स्पेल डाल देंगे और इस साइड सारे डिफेंस, तो फुली सारे जायंट्स वॉल पर से जंप करके ही जाएंगे. तो लेट्स सी क्या होता है. तो ये गई मेरी पहली जंप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये गई हमारी लास्ट जंप. तो फुली सारे जायंट्स वहाँ पे ही जंप कर देंगे. तो हम लोग वेट करेंगे सारे जायंट्स जाने का. ग्रैंड वार्डन पीछे से और जायंट्स और सारे जायंट्स एक साथ जंप करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ऐसा लग रहा है कि वो वॉल्स के ऊपर से चल रहे हैं अपने बड़े बड़े बोचों को लेकर. तो सारे जायंट्स एक एक करके सेंटर में घुसते हुए सारे डिफेंस के ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो वॉल्स के ऊपर चढ़ रहे. तो फिर यहाँ पे सारे जायंट बॉम्ब से, तो मैंने काफ़ी वहाँ पे स्प्रिंग ट्रैप्स भी है, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान किया था ये बेस. तो आप देख सकते हैं कि लेवल 8 जायंट्स की आधे से ज़्यादा हेल्थ कम हो चुकी है. वहाँ पे मैंने मेरे ग्रैंड वार्डन की पावर यूज़ कर दी और अब देखते हैं कि कितना परसेंट हो पाता है. वहाँ पे एक अर्थक्वेक स्पेल नीचे जाती हुई, मैंने अभी तक हमारे किंग क्वीन यूज़ नहीं किया, तो फिर हम यहाँ पे निचोड़ देंगे ताकि ये बेस जल्दी ख़त्म हो जाए. तो देखते कि कितना परसेंट हो पाता है. यहाँ पे विजर्ड टावर्स, क्लैन कैसल, किंग सब यहाँ पे हैं. तो जायंट्स की हेल्थ कम दिख रही है मुझे, लेकिन इतनी भी कम नहीं, शायद 100% आराम से हो जाएगा. लेकिन देखते कि हमें टाइम काफ़ी होता है या नहीं, क्योंकि अब देख सकते कि सिर्फ 1.5 मिनट बचा है स्टेट को ख़त्म होने के लिए. और यहाँ पे जायंट्स क्लियरिंग में हेल्प कर रहे हैं. यहाँ पे ग्रैंड वार्डन मैंने किंग क्वीन की पावर नहीं यूज़ की है. हम थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ही 1 मिनट के अंदर रेड चली जाती है तो हम अपने किंग क्वीन की पावर यूज़ कर देंगे. और यहाँ पे जायंट्स ने अपोनेंट के किंग को चोट दिया है. उसके बाद टाउन हॉल के ऊपर सारे जायंट्स लगते हुए शायद 2 स्टार्स, 83% जायंट्स उड़ते हुए. वहाँ पे जायंट बॉम्ब फूटे हुए, कोई बात नहीं. और यहाँ पे मैंने मेरे किंग और क्वीन की पावर यूज़ कर दी है, 92%. लेवल 27 किंग, लेवल 30 क्वीन, 95%. काफ़ी ज़्यादा जायंट्स जिंदा है, लेकिन कोई बात नहीं. तो हमने इस बेस की गांड मार दी है. और यहाँ पे एक आर्चर है जो काफ़ी क्यूट है और एलिजा कलेक्टर फोड़ रही थी, लेकिन उसकी मम्मी आ गई, उसने हेल्प कर दी. तो हमने यहाँ पे 2 स्टार मार दिए. तो हम एक और बार ट्राई करेंगे, लेकिन इस बार सारे ढोंडुओं को लेकर, मतलब कि गोलम, जैसे कि आपको पता ही होगा. तो चलिए चलते एक और बार हम रिक्वेस्ट भेज देंगे. तो यहाँ पे हमने एक और रिक्वेस्ट भेज दी है और उससे पहले हम हमारे सारे जायंट्स डिलीट कर देंगे. मैंने यहाँ पे बूस्ट कर दिया था मेरा पैरिक और वहाँ पे सारे के सारे गोलम ट्रेन हो चुके हैं. तो हम यहाँ पे 48 जायंट्स डिलीट कर देंगे. एक मिनट देखते कि हमने हमारी इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं, तो कोई बात नहीं. हम यहाँ पे सारे के सारे जायंट्स डिलीट कर देंगे और उसके बाद हम एक और बार अटैक ट्राई करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि ये कोलम क्या कर पाते. सारे के सारे 8 कोलम्स रेडी हो चुके हैं. तो अभी हम एक और बार ट्राई करेंगे हमारे बेस पर. तो कहा गई वो अटैक की रिक्वेस्ट. तो चलिए 8 लेवल 5 कोलम्स. ओह शिट, वहाँ पे एक गलती से छूट गया. तो कोई बात नहीं, हम लोग उसे वहाँ पे ही रहने देते. पहली स्पेल, दूसरी स्पेल,
तीसरी स्पेल, चौथी स्पेल और ये फिफ्थ स्पेल। तो देखते हैं कि गोलम्स वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो सारे गोलम नीचे जाते हुए, उनके पीछे से जायंट्स, ग्रैंड वार्डन। तो सारे गोलम्स ने जंप कर दिया है। ओह शिट, ये सारे गोलम्स तो बाहर आ चुके हैं, तो शायद मेरी ये जंप स्पेल गलत गिर गई थी। तो कोई बात नहीं, ये देखिए वो वापस अंदर घुसते हुए उसी जंप स्पेल से। ये थोड़ा ऑड लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। पहले वो बाहर है, फिर वापस से अंदर चले गए, और यहाँ पे वो अभी नीचे उतरेंगे। वहाँ पे सारे जायंट बॉम्ब्स उनका इंतजार कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं इस पे नीचे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरे ग्रैंड वार्डन की पावर यूज कर दी है, और यहाँ पे जो गोलम था वो तो मर गया है। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी स्ट्रांग होते हैं ये गोलम, लेकिन अगर इन्हें ठीक से यूज ना किया जाए तो फिर ये पूरे अटैक की वार्ड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 7 गोलम्स एक आर्चर टावर के ऊपर अटैक करते हुए, जब ये गोलम साथ में मिल जाए तो फिर काफी अच्छा डैमेज करते हैं। एक टाइम था जब लोग सात सात गोलम यूज करते थे, और पीछे से थोड़े से विजर्ड्स और TH-10 के ऊपर, तब TH-11 था नहीं, और TH-10 के ऊपर 3 स्टार मार देते थे। तो मैंने भी ये स्ट्रेटेजी एक दो बार यूज किया था जब मैं ट्रॉफी पुश कर रहा था, जब मैं TH-9 था। तो काफी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी थी, लेकिन उसके बाद गोलम और विजर्ड्स काफी महंगे हो जाते थे। तो पीपल्स ने थोड़ी चीप स्ट्रेटेजी इन्वेंट कर ली। तो आप जैसे कि आप देख सकते थे, अभी तक सिर्फ 40-50% हुआ है, और यहाँ पे काफी ज्यादा डिफेंस बाकी है। तो देखते कि 3 स्टार हो पाते हैं या नहीं। और मैंने अभी तक अपने किंग और क्वीन की पावर यूज नहीं की है। तो यहाँ पे गोलम सारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, जायंट्स भी है, शायद सारे जायंट्स मर गए, नहीं एक हीरो एक जायंट बाकी था, लेकिन नहीं अभी भी एक हीरो एक जायंट बाकी है। देखते हैं कि कितना डैमेज हो पाता है इस बेस पर। यहाँ पे किंग अभी तक बाकी है। तो मेरे किंग और क्वीन उसके किंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे एवेंजर क्वीन, सॉरी एवेंजर किंग, यहाँ पे देख रहे पावर यूज्ड। 1 सेकेंड में किंग की गान मार चुके, और अब एटानोल नीचे जाता हुआ क्लियरिंग कर रहे मेरे किंग क्वीन। 11 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, लेकिन लगता है कि अभी 3 स्टार नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब तक काफी ज्यादा बेस क्लियर होना बाकी है। तो 87%, 88%, फक 8 गोलम्स, ग्रैंड वर्जन, किंग, क्वीन, 5 जंप और एक रेड स्पेल, एक अर्थक्वेक सीसी में जाइंट रहके भी हमने सिर्फ TH-8 पे, TH-8.5 जिसे हम कह सकते हैं, उस पर हमने 88% मारा है। बहुत ही बकवास अटैक था। तो यहाँ पे मुझे काफी इनवाइट्स आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे TH पर के ऊपर लावा लुमिन अटैक हो गया है, जिसने मुझे 3 स्टार मारा, और उससे शायद मुझे -21 ट्रॉफीज हुए। तो मैं भी सोच रहा था कि मैं भी यही स्ट्रेटेजी यूज करूँ लावा लुमिन ट्रॉफी पुश के लिए। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि टैन यूज लावा लुमिन, और मैं कल के वीडियो में लावा लुमिन यूज करके दिखाऊंगा। तो चलिए ये अटैक देख लेते। तो उसने हेस्ट स्पेल यूज की है, 3 हेस्ट स्पेल, उसने एक्चुअली 6 स्पेल लिया था। वहां पे लावा लून्स सब अंदर जाते हुए, ग्रैंड वार्डन के साथ सीसी लून्स पे अंदर घुसते हुए। वहां पे काफी अच्छा मैंने प्लेसमेंट किया था ट्रैप्स का, लेकिन कोई बात नहीं, शायद इतनी भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं थी। यहाँ पे सिंगल टारगेट इन्फर्नो, जो कि लावा को टारगेट कर रहा है, उसने अभी उसने एक क्लोन स्पेल भी लाई है। तो देखते कि वो अपनी क्लोन स्पेल कहाँ पे यूज करते। तो वहाँ तो उसने अपनी क्लोन स्पेल यूज करी किए शायद इधर बीच में। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं वो लून्स क्लोन हो चुके थे। तो यहाँ पे मेरी लेवल 30 क्वीन उनके लून्स को मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे उसने काफी अच्छा डिफेंस दिखाया था इधर, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। ये साला जेमर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी इसके पास 45-45 किंग क्वीन है। तो यहाँ पे अच्छा खासा डिफेंस हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मिनियंस और जो
जो लाव पफ है वो काफ़ी अच्छा क्लियरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्चर क्वीन और किंग अंदर घुसते हो, उसने किंग की पावर यूज़ कर दी, क्वीन पीछे से अच्छा खासा क्लियरिंग कर दिए। वहाँ पे उसका बारबेरियन किंग यहाँ पे लेवल 8 थ्री डंडे से बारबेरियन किंग को मारने की कोशिश कर रहा, लेकिन इतनी सी हेल्थ बची है, शायद वो मर जाता, लेकिन बेल्ट्रा ही डंडे से तो वहाँ पे वो मर चुका है। और यहाँ पे मेरी लेवल 40 यहाँ पे मेरा लेवल 8 इन्फर्नो और एक लेवल 11 आर्चर टावर उसकी क्वीन को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी क्वीन की पावर बाकी है, तो 84% हो चुका है। यहाँ पे मिनियंस ने उसकी हेल्प कर दी क्लियरिंग में, अगर वो मिनियन जिंदा नहीं रहते तो फिर शायद से ये 100% नहीं हो पाता। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 92% हो गया है, 94%, 95%, 97%। आर्चर्स अब उसकी क्वीन भी मर गई, शायद आर्चर्स और मिनियंस का कमाल था जिसने उसे 3 स्टार दिलवाया, तो फिर काफ़ी अच्छी रेड है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने कभी वैसे एयर अटैक्स यूज़ नहीं किया, लेकिन आपके लिए मैं ये ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको अगर देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ट्राई नावल यूनियन, और मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कल। तो हमें नुकसान हुआ 20 पॉइंट ट्रॉफीज का, तो कोई बात नहीं। तो आज हमने देखा कि कैसे जायंट्स अपने बड़े बड़े लेकर जंप करते, और डोंडू कैसे जंप करते, द बिगेस्ट जंप इन द हिस्ट्री ऑफ क्लैश ऑफ क्लैन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा चैनल काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, पीस आउट। I'm coming home.